तो फाइनली सोनी ने एक अपना फुल फ्रेम कैमरा लॉन्च करा है जो कि काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। तो देखते हैं वो कैमरा कौन सा है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल्स। तो दोस्तों, सोनी ने जो नया कैमरा लॉन्च करा वो एक फुल फ्रेम कैमरा लॉन्च करा है। आपने सोनी का एक प्रीवियस वर्जन देखा होगा, सोनी का A7R4। तो अब सोनी ने इसी का एक अपर वर्जन निकाला जो कि है सोनी का A7R5। और ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। इसके ऑटो फोकस वगैरह भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है जो हमारे पिछले वर्जन के कैमरे से। तो हम देख लेते हैं इस कैमरे के स्पेक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या नई सारी चीजें अपडेट हुई है। तो दोस्तों, इस कैमरे के अंदर जो आपको मेगा पिक्सल्स देखने के लिए मिलेंगे वो आपको इसके अंदर 61 मेगा पिक्सल्स देखने के लिए मिलेंगे जो की काफी अच्छे है। अगर आप इससे स्टिल फोटोग्राफी करते हैं तो आपकी इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी डिसेंट सी आने वाली है, क्योंकि अगर इसके अंदर 61 मेगापिक्सल है तो आपकी जो इमेज होगी वो काफी MB की फाइल होगी। और इस कैमरे का अगर आप प्रोसेसर देखेंगे तो इसके अंदर आपको बायोस ZXR प्रोसेसर है जो कि काफी हाई स्पीड का प्रोसेसर है इसके अंदर। तो यानी कि आप जो भी प्रोसेसिंग करेंगे वो आपकी काफी फास्ट होगी। और इसके प्रोसेसर के अंदर आपको AI प्रोसेसिंग यूनिट की फैसिलिटी मिलती है जो कि आपकी जो प्रोसेस होती है जो वो काफी फास्ट हो जाता है इसके थ्रू। और इसके ऑटो फोकस देखेंगे तो इसके अंदर आपको रियल टाइम ऑटो फोकस की फैसिलिटी मिलती है जो कि इसके अंदर काफी इंप्रूव करा गया। जैसे आपका सब्जेक्ट है तो इसके अंदर सब्जेक्ट फॉर्म डेटा की भी फैसिलिटी है, यानी कि जो हमारे ह्यूमन है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो यानी कि ये अगर हमारा ऑटो फोकस करता है रियल टाइम पे तो हमारी फुल बॉडी का वो फोकस करता है। यानी आप कहीं गार्डन वगैरह में भी जाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं तो जैसे कि आपका जो ऑटो फोकस होता है, यानी कभी पेड़ का हो जाता है कभी कुछ, तो यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं आता। तो इसके अंदर ये सारी चीजें इंप्रूव करी गई है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक काफी क्लियर दिखने वाला है इस ऑटो फोकस के थ्रू। और जो इसके अंदर रियल टाइम ऑटो फोकस की फैसिलिटी है, जो हमारा सब्जेक्ट जहां जहां मूव करेगा हमारा ये ऑटो फोकस वहां वहां काम करेगा। और जो सोनी का जो प्रीवियस वर्जन था सोनी का A7R4 और इस कैमरे के जो ह्यूमन ऑटो फोकस है, आपको प्रीवियस वर्जन के मुकाबले इस कैमरे के अंदर आपको 60% इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि इससे हमारा ऑटो फोकस काफी फास्ट हो जाता है। जहां हमारा ह्यूमन होगा वहां का हमारा एकदम कंप्लीट ऑटो फोकस हो जाएगा। और वहीं हम इसके एनिमल ऑटो फोकस की बात करें तो जैसे कि इसके अंदर भी हमें प्रीवियस वर्जन के मुकाबले इस कैमरे के अंदर आपको 40% का इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, या तो आप डॉग ले लो या बिल्ली वगैरह कुछ भी ले लो, उसके अंदर आपके जो ऑटो फोकस होगा उसके भी पूरे फेस से लेकर मतलब नीचे तक का फोकस करेगा और आपका सब्जेक्ट एकदम फोकस में आने वाला है। और वहीं हम इस कैमरे के अंदर कंटिन्यू शूटिंग देखते तो इसके अंदर आपको 10 FPS कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलेगा जो कि रियल ऑटो फोकस टाइम के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर आपको किसी सब्जेक्ट की 10 फोटो क्लिक करनी है तो आप इजीली इसके अंदर 10 FPS फोटो, यानी कि आप 10 फोटो इसके अंदर एक बार में क्लिक कर सकते हैं। और वहीं हम इस कैमरे का ऑटो फोकस पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 693 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे स्क्रीन का 79% एरिया को कवर करते हैं। यानी कि आपका सब्जेक्ट कहीं भी होगा, यानी ये जो फोकस पॉइंट होते हैं हमारे, अगर इसके अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा तो वो यानी कि वो फोटो हमारी क्लियर फोटो आएगी। और हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसके बॉडी के अंदर आपको 8 स्टॉप का 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आप वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो अगर आपका थोड़ा हाथ वाथ हिलते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो शेक ही नहीं आएगी। और अगर आप इमेज क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज भी काफी अच्छी क्वालिटी की देखने के लिए मिलेगी। आपकी इमेज के अंदर ब्लरनेस बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम इमेज क्लिक करते हैं तो वहां पे जो हमारा फेस होता है सब्जेक्ट का वो आपको आउट ऑफ फोकस देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको इमेज क्लियर देखने के लिए मिलेगा। अब हम इसके अंदर वीडियो की बात करें तो इस कैमरे के अंदर आपको 8K की रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है जो कि काफी अच्छा है। अगर आपको 8K शूट करना है तो आप इजीली इस कैमरे के अंदर 8K वीडियो शूट कर सकते हैं। बट अगर आप 8K वीडियो इसके अंदर शूट करते हैं तो आप यहाँ पे 24P और 25P ही देखने के लिए मिलेगा। और इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो इजीली शूट कर सकते हैं, वो भी 60p वगैरह पे। तो यानी अगर आप इसके अंदर 4K वीडियो भी शूट करना चाहते हैं तो इजीली शूट कर सकते हैं। ये कैमरा जो आपको 4K वीडियो शूट करेगा ये आपका 6K पे शूट करेगा और आपको ओवर सैंपल करके ये आपको 4K की क्वालिटी देगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आने वाली है आपकी वीडियो की।
तो यानी आप समझ ही सकते हैं यानी आपकी जो 4K क्वालिटी होगी वो काफी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अब इस कैमरे की हम स्क्रीन को देखें तो इसके अंदर आपको 4x मल्टी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो कि इसकी स्क्रीन की साइज 3.2 इंच की होती है। यानी आप इसको 4x एंगल में किधर भी मूव करके अपनी वीडियो या फोटो को क्लिक कर सकते हैं। वहीं हम इसके व्यू फाइंडर को देखें तो इसके अंदर आपको 9.44 मिलियन डॉट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप रियल टाइम पे देखेंगे वैसी ही सेम इमेज आपकी आने वाली है। और इसके अंदर आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इसके हम कार्ड स्लॉट देखें तो इसके अंदर आपको 2 कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके CF एक्सप्रेस कार्ड लगते हैं, वो भी 8 टाइप के। और वहीं इसकी बॉडी को हम देखें तो इसके बॉडी के अंदर आपको डस्ट एंड मॉइस्चर प्रूफ बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आपके बॉडी पर थोड़े बहुत डस्ट वस्ट आते हैं तो उससे आपकी कैमरे की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी अगर आप हल्के पुल्के पानी भी इसके ऊपर गिर जाता है तो उससे इसकी जो बॉडी है वो एकदम सेफ रहने वाली है। और वहीं इसके अंदर जो आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है वो आपको सेम जो बैटरी है हमारी FZ माउंट की, वही सेम बैटरी इस कैमरे के अंदर भी लगती है। मेन रीज़न है इस कैमरे का, जो ये कैमरा किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो जो हमारे स्पोर्ट पर्सन है, जो कि हम स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हैं और जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट कैमरा होने वाला है। क्योंकि इस कैमरे के जो मेगापिक्सल्स है वो काफ़ी हाई मेगापिक्सल है, जो कि 61 मेगापिक्सल्स के साथ ये कैमरा आता है। तो जैसे कि उन्हें बर्ड वगैरह की फोटो क्लिक करनी होती है तो बहुत दूर से फोटो क्लिक करते हैं, तो उनके लिए इसमें जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी इंप्रूवमेंट वाली क्वालिटी होगी, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा कैमरा होने वाला है। बट इस कैमरे के अंदर आपको वीडियो के भी सारे फीचर मिल जाते हैं, जो हमारे पुराने जो कैमरे सोनी के नए आए हैं उनके अंदर भी ये जो वीडियो की क्वालिटी थी जो 4:2:10 की, वही सेम क्वालिटी इसके वीडियो क्वालिटी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको 8K की भी फैसिलिटी दी गई है, तो यानी आप 8K वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरे की प्राइस की। तो ये कैमरा जो हमारा 3,21,999 का आने वाला है, यानी कि अगर आपके पास 3,21,000 रुपए हैं तो आप इस कैमरे की बॉडी को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।